डॉट कॉम के साथ मैं आपका होस्ट मुबीनुर रहमान, और आज हम बात करेंगे कि कैसे हम बटन अपना वेब पेज के ऊपर लगा सकते हैं, यानी कि लॉगिन बटन हो गया या कोई साइनअप का बटन हो गया या किसी किस्म का भी अगर कोई बटन लगाना हो वेब पेज के अंदर तो वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो इट इज़ अ वेरी सिंपल टास्क। इसके लिए हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट कोड होता है, दैट इज़ ऑफ बटन, हम उसको यूज़ करेंगे। मिसाल तौर पर ये मेरे पास वेब पेज एक रेडी है। ठीक है, अब मैं इसी के अंदर बटन को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। बटन, दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट लेटर है हमारे पास, जो कि HTML का कोड है, हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। हमने इस बटन के दरमियान में उसका नाम लिखना, मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ यहाँ पर लॉगिन। ठीक है, और मैं जस्ट इसको यहाँ पे सेव करके यहाँ पर आकर रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि एक बटन बन चुका है, दैट इज़ ऑफ लॉगिन। ठीक है, सो ये बटन बनाना HTML के अंदर कोई इतना इशू नहीं होता, बस आपने बटन का टैग यूज़ करना है और इसके दरमियान में आपने लॉगिन लिख देना है। ठीक है, ओके। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया कि बटन के साथ भी मैं अगर कोई लिंक करना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। ठीक है, ओके, इसके लिए मैं बटन के अंदर लिख देता हूँ यूट्यूब सबसे पहले, क्योंकि मैं आपको इसको यूट्यूब को इम्बेड करना सिखा रहा हूँ। बेसिकली इसके बटन को यूज़ करें, आप इसको फेसबुक के साथ या किसी भी चीज़ के साथ इम्बेड कर सकते हो। ठीक है, और मैं इधर लिखता हूँ H2 टैग में टू व्यू माई चैनल क्लिक द बटन बिलो। ठीक हो गया, और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एंकर टैग यूज करूँगा, href। ठीक है, और मैं इधर यहाँ से पूरा एड्रेस उठाऊंगा जो कि मैंने यूट्यूब का रखा हुआ है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पर आकर मैं इसको पेस्ट करूँगा। ओके, मैं उसके बाद इसको यहाँ पर क्लोज़ किया, यहाँ पर मैं इस एंकर टैग को क्लोज़ किया, इसको मैंने सेव किया। जब यहाँ पर आकर मैंने रिफ्रेश किया टू व्यू माई चैनल क्लिक देयर, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, बटन बिलो। ठीक है, ओके जी, ओके, मैं इसको H3 करता हूँ क्योंकि ज़्यादा ही बड़ा हो गया कुछ, और अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश करूँगा, जब मैं इस YouTube पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली नीचे लिंक जा रहा होगा, जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो ये सीधा मुझे YouTube के ऊपर ले जाएगा। तो इट इज़ आल्सो वे कि अगर आप बटन के साथ इसको लिंक करना चाहें तो आप बटन के साथ भी लिंक कर सकते हैं। लिंकिंग के लिए आपको सिर्फ href यानी एंकर टैग की ज़रूरत पड़ती है, बाकी आपके साथ जो बटन है या आपके पास जो इमेज है आप उसको एंकर टैग के दरमियान में लिखेंगे तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो इट इज़ क्लियर, ये बटन लगाना बहुत आसान चीज़ है। बटन का डिफ़ॉल्ट कोड है, दैट इज़ बटन, आपने बस उसी डिफ़ॉल्ट कोड को लिखना है और उस बटन के दरमियान के अंदर ही आपने अपना डेटा एम्बेड कर देना है। सो होप सो आपको इसकी समझ आई होगी, एंड इट इज़ अ वेरी इजी टास्क। सही, ओके, थैंक यू।